खबर हल्द्वानी से है, जहां एसओजी और पुलिस ने अवैध हथियार बनाकर तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक अवैध देशी बंदूक के साथ चार जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी अनिल सिंह और सर्वेश कुमार मुखानी क्षेत्र के रहने वाले आरोपी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 52 नालाबासनी रोड मुखानी से गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सेंट्रल पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। इसी क्रम में हमें कुछ लोगों की एक इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ लोग अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। इसमें एसओजी की टीम है, लोकल थाना पुलिस की टीम है एक्टिविट हुई और हमारी दोनों टीमों ने कल दो अभियुक्तों को दो अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हथियार लाना और यहाँ नैनीताल ज़िले में बेचना पाया गया है। इनमें से एक दो अभियुक्त हैं उनका कुछ पोलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ जो है संज्ञान में है। इसमें भी जांच की जा रही है कि ये लोग किसके संरक्षण में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय पुलिस इस मामले में और भी सख्त कार्रवाई